अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स फ्रॉम बटाकुंडी, वेलकम टू अवर व्लॉग। आज हम लोग अभी बटाकुंडी में, हमारा थर्ड डे है। जैसे कि आप अगर सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं हमारी जीबी सीरीज़ की, तो थर्ड डे है आज। और हम लोग अभी एक बटाकुंडी में रात को स्टे किया था, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो अभी हम लोग बस जो है वो सुबह के 9:15 का टाइम हो रहा है। तकरीबन प्लान तो हमारा ये था कि हम तकरीबन 9 बजे के करीब स्कर्दू के लिए निकल जाएंगे, लेकिन कुछ बस रात को लेट सोए जिसकी वजह से आँख नहीं खुल पाई। तो अभी बाकी बॉयज़ जो हैं वो एक शावर ले रहा है, एक अभी तक सो रहा है। तो ये थोड़े से व्यूज़ देखें जी आप पीछे, इधर हम स्टे कर रहे हैं। ये रूमी का रिजॉर्ट है बटाकुंडी में, और इस तरह है कि ये गालबन 4-1 साल पहले ये माउंटेन टॉप रिजॉर्ट स्टार्ट हुआ था। तो काफ़ी ही खूबसूरत जगह है और बड़ा ही अच्छा इन्होंने जो है ना रिजॉर्ट बनाया हुआ है, जिसमें इनके पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के रूम्स हैं। इसमें यर्ट्स भी हैं अवेलेबल, अगर आप लोग वाकिफ़ हों ऑस्ट्रेलियन यर्ट्स से तो वो बड़े ही खूबसूरत है। मैं आपको भी थोड़ी देर तक उसकी भी वीडियो और फोटेज दिखाता हूँ, बाकी आप थोड़ा सा व्यू इन्जॉय करें जी। जी जनाब, गाड़ी में बैठ चुके हुए हैं और अब हम निकल चुके हुए हैं स्कर्दू की तरफ। और ये टाइम क्या हो रहा है? 11:15, हम तकरीबन कुछ 2 घंटे लेट है अपने शेड्यूल टाइम से। कोई शेड्यूल नहीं होता, वेकेशंस का कोई शेड्यूल नहीं होता। सब क्या कहेंगे आप इस ब्यूटी के बारे में? ये बहुत, ये जो ये एक पैच जो आता है ना नरान वैली से निकल के बाबूसर टॉप के अंदर में, इंतहाई लश ग्रीन पैच और इंतहाई खूबसूरत। क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये रिमोट एरिया है, यहाँ पे इतनी कोई जो है ना वो पॉपुलेशन नहीं है, लोकल्स भी कम रहते हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं जो माल मवेशी रखे हुए हैं जिन्होंने। और मुझे तो पर्सनली पूछा जाए तो मैं मतलब जितनी बार भी हंजा का या इधर ट्रैवल किया है नॉर्दर्न एरियाज़ का, तो जब ये पैच आता है ना तो ये मेरा मुझे मोस्ट फेवरेट पैच है। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी एक जो मैं समझता हूँ कि अगर ये जो वेस्ट में और हमारे में फ़र्क है कि ये इतने खूबसूरत पैच को अगर इधर यहाँ पर 5-स्टार होटल्स अच्छे बने, यहाँ पर अकोमोडेशन अच्छी हों, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर किया जाए। रोड्स तो अलहमदिल्ला काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ पे अगर टूरिज्म डेवलप किया जाए, ये वाला जो खसूसी पैच है नरान वैली से लेके बाबूसर टॉप के दरमियान तक, तो ये बड़ा जो है ना ये इधर अच्छा टूरिज्म का पॉइंट बन सकता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मेरे नॉलेज में आई हैं चीज़ें, लेकिन मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की, इंशाल्लाह फर्दर फ्यूचर में करेंगे। कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साइडों के ऊपर लेक्स भी हैं
और काफ़ी से ऐसे व्यू पॉइंट्स भी हैं और जगह हैं जो कि अनडिस्कवर्ड है, तो यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा उसके बाद ही होगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ह्यूज लश ग्रीन माउंटेंस, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लैंडस्लाइड भी काफ़ी हुई हुई है, ये भी पीछे भी जहाँ से हम गुजरे हैं यहाँ पर भी लैंडस्लाइड थी, ये भी लैंडस्लाइड हुई हुई है। जनाब हम लोग बाबूसर टॉप से आगे हम नीचे और अब ड्राइव कर रहे हैं, तो असल ब्यूटी जो है ना वो अब स्टार्ट होनी है। 80% लोग, 80 नहीं पर 90% लोग पीछे रह जाते हैं। अब आगे आपको रश भी कम मिलता है और ब्यूटी भी ज़्यादा है, और ये आई थिंक 10,000 feet की हाइट है। ये काफी हाइट है, ये देखिए नीचे देखिए तमाम पीक्स के हम टॉप पे हैं, सारी पहाड़ियाँ नीचे हैं। जितनी चढ़ाई हमने आगे चढ़ी है वो हम दोबारा उतरेंगे और ब्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ये भी बता देंगे जब बापू सर की जो उतराई है ये उतरे तो ब्रेक्स का कम से कम इस्तेमाल करें, हाई गियर में रखें, मतलब लो गियर में रखें गाड़ी को, लो गियर में रखें और ब्रेक्स कम से कम यूज करें क्योंकि बहुत ज्यादा ये जो है ना वो इसकी है। और मेरे ख्याल से ये बाबूसर टॉप एक दफा उतर के ना आपको गाड़ी को स्टे भी देना चाहिए, हाँ रेस्ट लेना चाहिए, 15-20 मिनट का स्टे लें क्योंकि ब्रेक्स गर्म हुई होती है, ये थोड़ा सा ख्याल रखा करें। बाकी जनाब ब्यूटी अब स्टार्ट होने वाली है और साथ साथ आपको आज व्यूज एंजॉय करवाएंगे ज्यादातर। देखिए इस तरफ ये सारा दिखा, 90% लोग पीछे रह चुके हुए हैं, ये अब जो 10% आगे जाने वाले हैं उनके लिए मजा है, सुकून भी है और ब्यूटी भी है, दोनों चीजें प्लस हो जाती हैं। जनाब हमारे ड्राइवर की ब्रेकें गर्म हो गई थी गाड़ी से ज्यादा, तो ड्राइवर ने अपना सराहना निकाला है और वो रेस्ट कर रहे हैं और चाय का हमने ऑर्डर किया है, यहाँ से चाय पियेंगे, 15 मिनट का स्टे करेंगे, 15 मिनट का स्टे करेंगे। शोर शोर काफ़ी ज़्यादा होगा, ये देखिए पानी चश्मा आ रहा है, कितना साफ पानी है। हमारी चाय आ चुकी है, नान खाई सुपर सबसे ऊपर और ऊपर और चाय चलो बंद कर दियो ना। जनाब ये चलास की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में ना इस तरह के घर आ रहे हैं, ऊपर ये लकड़ी के छोटे छोटे से बने हुए हैं, कोई पत्थरों का बना हुआ है, तो हम लोग यही रास्ते में सोच रहे थे कि इन लोगों का क्या कह लें कि जरिया माश होगा कि लोग यहाँ पर आबाद हैं और काफ़ी ज़्यादा आबादी है। ये देखें साथ भी सारा छोटे छोटे घर हैं अंदर ये दरख्तों के नीचे, यहाँ तो हमें सर बकरियाँ नज़र आ रही हैं कि ये लोग बकरियाँ पालते हैं, माल मवेशी पालते हैं, बाकी होटल्स के अंदर हो सकता है कि जॉब शॉप करते हों। अल्लाह ताला ने हर बंदे से अगर रिजक का वादा किया है तो वो यहाँ पर आपको देख के पूरा हो जाता है, पूरा तो नज़र आता है। हम लोग वहाँ पर हमें जनाब शॉपिंग मॉल्स भी करोगे पास चाहिए और इसके अलावा हमें को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए और स्कूल कॉलेजेस भी चाहिए, हर चीज़ हमें घर के पास चाहिए। तो ये देखें ये लोग कहाँ पर आबाद हैं और मेरे ख्याल से हम लोगों से ज़्यादा सेटिस्फाई हैं ये लोग, ये देखें किस तरह की घर हैं, पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
चिलास आगे आने वाला है, सिर्फ 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर सिर्फ चिलास यहाँ से रह गया। और इस तरह की कह लेंगे पथरीले पहाड़ हैं सारे चिलास के अंदर, वो आपको दिखाते हैं। साथ साथ दरिया चलेगा, इंडस रिवर है साथ साथ, और साथ ये आपको इस तरह के पहाड़ मिलेंगे। ये लैंडस्लाइड देख रहे हैं, इस तरफ ज़्यादा होती है ज़रा। चिलास पहुंच चुके हैं हम, ये अब देखें साथ हमारे इंडस रिवर स्टार्ट हो चुका हुआ है, और ये इस तरह के पहाड़ हैं टोटली। अब नेक्स्ट हमारे फॉर्मूले लड़ा रहे हैं, कोई कर रो हो गया, हो गया ना टका बजा ने कंटेंट मिला था तो मोड़। क्या बात है यार, है चिलास के पहाड़ों की भी यार, सिटी से आए थे गाना काट देता है पहाड़ा। हम लोग जनाब आए थे 2016 में, तब हमारे पास थी होंडा सिटी एस्पायर, और तब ना ये रोड भी बिल्कुल नहीं था बना हुआ, तो माशाल्लाह इधर पत्थर, ये चेक कर वो सिटी नीचे भी लगती थी। अब तो रोड देखें कितना लैविश बन गया हुआ है। आज का हमारा व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो जा रहा है, साथ ही ना हमारे इंडस्ट्री पर भी चल रहे हैं। ये ना इसकी साइडों पे ये रेत टाइप है, हो सकता है कि आज से कोई काफी साल पहले पानी का लेवल वहां तक हो। ये जनाब आगे ना कोई पत्थर गिरा हुआ है, और ये ट्रैफिक देख रहे हैं थोड़ी बात है, और देखें ये तकरीबन कह रहे हैं कि 2.5-3 किलोमीटर तक इसी तरह ट्रैफिक ब्लॉक है। और ये देखें असल में ये देखें खुदा की कुदरत है, ये पत्थर किस तरह से खड़े हुए हैं। जी मुनीब साहब क्या पोजीशन चल रही है? ट्रेन जा रही है, हाँ भूख लगी है टका के जी, कहते जो खाना जो है ना फिर बाद में देखेंगे और सुनेंगे तो ठीक है, फिर जल्दी खा जाएंगे। असल में ना चिलास से आगे तकरीबन कुछ 40 मिनट हम लोग आगे गए थे, क्या जगह का नाम था, बुनरदास, वहाँ पर कोई पेट्रोल टैंकर जो है वो रुका हुआ था, उसके बाद फिर वाटर ब्लॉक थे, तकरीबन को 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। फिर हमने किनसे हमने पूछा था, जीपी रोड वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान रोड गाइड वाले, जो उनसे हमने कंफर्म किया, उन्होंने कहा है कि जी रात को 8 बजे
8 बजे खुलेगी, फिर हम लोग वापस चलास आ गए। इधर हम शंग्रीला में हैं, अब यही सोच रहे हैं कि यहाँ से खाना वगैरह भी खाएं और कमरा भी इधर ही ले लें, और रात को जब ट्रैफिक ओपन होगी, रोड्स ओपन होंगी, तो फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये देखें इसका व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, पीछे इंडस रिवर है, ये सारा इसका व्यू है, बना भी बड़ा ज़बरदस्त है। हम लोग दोबारा चलास से निकले हैं, वहाँ से शंगीला से खाना शाना खाए, थोड़ी देर वहाँ पर लेटे हैं, अब दोबारा जा रहे हैं। देखें अब रायकोट ब्रिज से थोड़ा सा पीछे ही ट्रैफिक जाम था, अब कॉल किए तो पता चला है कि जनाब ट्रैफिक ओपन हो गई है, तो अब इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे तो इंशाल्लाह स्कर्ट में पहुँच जाएंगे। अब 5 घंटे लग गए तकरीबन, तकरीबन 5 घंटे में इंशाल्लाह स्कर्ट में, आपको दिखाते हैं ट्रैफिक की पोजीशन, दिखाते हैं कि जहाँ पर जाम हुई थी और वो सारा आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। यहाँ पर ये टैंकर उल्टा हुआ है, ये कुछ स्लाइड आई थी, स्लाइड आने की वजह से ये टैंकर को सुबह कहते हैं कि 10 बजे ये एक्सीडेंट हुआ है। देखें टोटल स्लाइड इसके ऊपर गिरी है, आसानियाँ पैदा करें, कितना बड़ा पत्थर है, ये अभी इन्होंने क्लियर किया। इस टाइम टाइम क्या हो रहा है? 6:15 सवा 6 बज गए, सुबह 10 बजे ये इंसिडेंट हुआ है और 6:15 बज गए और अभी जाके ट्रैफिक ओपन हो गया। यही चलास के अंदर रायकोट ब्रिज से थोड़ा सा पीछे तत्ता पानी का पॉइंट है, पहाड़ है, पथरीले सारे हैं, हमेशा लैंडस्लाइड यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर। स्लाइड हर दफ़ा जो होती है, देखें दरिया के अंदर कहाँ तक वो पत्थर गए हुए हैं, वो आगे वाले शायद नजर आ रहे हैं, ये देखें आधे से ज़्यादा दरिया कवर कर लिए हुए हैं। अंकिल एंजॉय कर रहे हैं, अंकिल ने शीशा खोला हुआ है और अंकिल फुल एंजॉय कर रहे हैं। वो रास्ते में जनाब हर बंदे से रुक के पूछते हैं क्या हुआ है, देख भी लिया फिर भी पूछते हैं क्या हुआ है, उनका चलने का दिल नहीं है बिल्कुल भी। ये सारी लैंडस्लाइड दरिया को ही उसने ब्लॉक कर दिया, इतनी लैंडस्लाइड इस एरिया में। वो देखें कहाँ तक वो पत्थर देख रहे हैं, कहाँ तक गिरे हुए हैं, दरिया के अंदर ये चलता ही नहीं है। ये हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, हम रायकोट ब्रिज से थोड़ा सा पीछे थे जहाँ पर ट्रैफिक जाम थी, अभी फिर हम लोगों ने सीधा हम लोग स्कर्दू की तरफ नहीं गए, हम लोग सीधा इस तरफ ही आ गए हैं गिलगित की तरफ, गिलगित सिटी के अंदर हम लोग मौजूद हैं और ये गाड़ी को चेक करवा रहे हैं। असल में रास्ता भी थोड़ा स्कर्दू का इस तरह का कि रात को जाने वाला नहीं है, तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश यही कर रहे हैं कि स्टे इधर ही करें। एक बहुत बड़ा प्रैंक होने के बाद अभी हम गिलगित के अंदर इधर चेक इन कर रहे हैं, आपको जाके स्टोरी सारी सुनाते हैं, खाना शाना खाएंगे, रात को चाय जब पियेंगे उसके बाद आपको इनके मुंह से स्टोरी सुनाएंगे कि हुआ क्या।
हमारा रूम है जी गिलगित के अंदर। और ये सरीना गिलगित है, बैक साइड पे इनका लॉन है और ये बफे शफे चल रहा है, देख सकें तो ये सर। खाना हमारा आ चुका है, नहा धो के सब फ्रेश हो गए हैं। तो आज जो इस बंदे कीते हैं ना की मैंने क्या किया यार? आज की बनया की आज दसो फिर आज की स्टोरी सुनाओ ना। आज सारा कुछ देखा ही होगा हमारे व्यूअर्स ने कि क्या क्या हुई है। व्यूअर्स है पूछना चाह रहे हैं कि तुसा कर दो किस दिन पहुंचना, आज भी तुसी गिलगित रोक गए हो। बात ये है कि दाने पाने की बात है, शगरीला में और सरीना गिलगित में हमारा खाना लिखा था, इस वजह से हम इधर आ गए। नहीं इंशाल्लाह हम कल जी आज नहीं नहीं जो आज वो गाड़ी वाला ब्लफ बजा वो बात यार वो हुआ असल को पता क्या हुआ, ये था कि गाड़ी वाकई लिटरली हीट अप हुई थी। आप सब ने देखा, मैंने कोई आपसे गलत बयानी नहीं की। अब बाहर था उधर वेदर कोई 44 degrees चलास में ठीक है। उसके बाद गाड़ी आपको पता है वो एक एक करके गुजर रही थी वहां से सारी, तो वो जो एक एक करके गाड़ियां गुजर रही थी ना उसके चक्कर में गर्मी थी इंतहा की। मोमिन साहब भी पीछे बैठे थे, ड्यूल एसी चलाया हुआ था फुल करके गए जी एसी ठंडा होना चाहिए। अब गाड़ी स्लो स्लो चलते चलते ना वो हीट अप हो गई फिर से गर्मी की वजह से। अब मुझे लगा कि उसका कोई पाइप का कोई इशू है या कोई वो जो है ना वाटर बॉडी का कोई पाइप लीक है या कोई और है या इनटेक का पाइप लीक है या रेडिएटर का इशू है। अब मैंने उधर बोनट खोला, रेडिएटर बिल्कुल ओके, वो पाइप इनटेक वाला जो था उसके अंदर से आवाजें आ रही थी, वो प्रेशर बना हुआ था, तो मैंने कहा शायद वो इशू बना हुआ है। वो जी बहरहाल बड़ी उधर, एक तो उधर जिस पॉइंट पे हम थे उधर जनाब वो यकीन करें ऐसे था कि चोलिस्तान बैठे हैं, मिट्टी हो गए हम लोग उसमें। हमने बाहर अल्पो जी पानी छानी गाड़ी कूल डाउन की, उसके बाद जी हमने कहा जी हमने मैकेनिक को फोन किया, उसने कहा जी सर जी मसला ही वाटर ये इनलेट जो है ना इनटेक इसका पाइप का इशू है, आपने एसी नहीं चलाना, एसी तो बगैर गड्डी चलाओ तो मसला ही कोई नहीं। हम भी जी उसको मान के थे जी, हमने कहा जी अब जगलोट चलते हैं, 50 किलोमीटर था गालबन मोमेंट, 50 किलोमीटर था वहां से। अब वो हमने कहा जी 50 किलोमीटर है कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं तो हो जाएगा मामला हल। वो जी चलते जा रहे हैं हम, शीशे हमने खोल लिए, मिट्टी भी खा रहे हैं जी, गर्मी खा रहे हैं, 44 degrees है, जा रहे हैं जी। जगलोट आया उधर मैकेनिक, मतलब आप मुनीब साहब मुझे और मोमिन को एसी के बगैर वहां से लेके आए चलास जगलोट से, मतलब तू जुलम कीता इंतहा की, वो इन शॉर्ट मेरे साथ खुद जुलम हुआ है। किने 44 degrees फिर हमने जी हम गिलगित पहुंचे बगैर एसी के, हमने एसी नहीं चलाया, गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। इधर आके मैकेनिक को दिखाया, जब मैकेनिक को दिखाया तो उसको कहा जी क्या बात है इसको क्या हुआ, कहता मोड़ा इसको मसला ही कोई नहीं। क्या मतलब मसला ही नहीं, हम 3 घंटे हो गए सलीम, कहता मोड़ा इसका पाइप वाइप सब ठीक है। चलो ठीक हो गया, उसको कहा खान दोबारा चेक कर, असि 3-4 दिन सफर करना है जिन्हें सलील करी सू सर्विस कर दो जान कर सिर्फ वहम दी बुनियाद ते तुसां नूं एसी ते एसी तों बगैर उत्थों इत्थे तक लै के आए जनाब। फिर बाहर आल जो है ना, लेकिन ये अच्छा हो गया कि हमने कम से कम एटलीस्ट मगर हम सफर करते हैं या कोई इस तरह मामला हो जाता तो वो एक सेफ साइड के तौर पर ठीक हो गया, हमारी तसल्ली हो गई। और वो जो गाड़ी के अंदर से आवाज आ रही थी वो क्या था? वो तो प्रेशर थी, पिस की आवाज थी, और वो सही उसने पाइप सही किया दोबारा ठीक हो गया। खैर वो अब बहरहाल मामला ये बना है कि जी अब हम गिलगित सरीना जैसा आपने देखा होगा हमने अब स्टे किया, अब हम खाना खाने लगे हैं और सुबह इंशाल्लाह नाश्ता करके अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह तो हम स्कर्दू पहुंचेंगे इंशाल्लाह 11-12 बजे के करीब जी। अभी हम साथ नेटफ्लिक्स पे मूवी देखेंगे, किसी का नेटफ्लिक्स भी लॉगिन था, तुमने कहा इस पे देखते हैं, कुछ सलमान भाई करके थे सलमान भाई देख रहे हैं तो हम आपका नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं। सलमान भाई थैंक यू सो मच, आपने हमें नेटफ्लिक्स प्रोवाइड किया।
चलें जी ठीक है। ये आज की हमारी रूटीन थी और आज असल में दो इंसिडेंट हो गए थे। पहले वो आपको दिखाया हमने कि जिस तरह वो एक्सीडेंट हो गया था उसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ा। जलास जाके हमने शंगरीला खाना खाया, वहाँ से हम निकले तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा। हम लोगों ने जब वो जगह क्रॉस की तो साथ ही बिल्कुल जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उससे थोड़ा सा आगे हम गए तो वहाँ पर हमारी भी गाड़ी हीट हो गई थी। उसके बाद हमने वैम की बुनियाद पर हम लोग आज नहीं जा सके, एसी के बगैर हम लोग गिलगित आएंगे, गाड़ी को चेक करवा लेंगे। गाड़ी को चेक करवाया, उसने गाड़ी को मसले कोई नहीं है, तुम हम ही एसी तो बगैर आए हो, आपके यहाँ प्रैंक हो गया कैमरे में, हमारे साथ प्रैंक हो गया। तो ये आज की हमारी रूटीन थी और इंशाल्लाह कल अब अल्लाह हैर करे हम इंशाल्लाह स्कर्दू पहुंच के रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, गुड नाइट, अल्लाह दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर।